हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं नसीम शाह इंटरव्यू उर्वशी कौन है, और इनका ये लेटेस्ट वीडियो है शुक्रिया अगर कोई पसंद करता है। मतलब यहाँ ना सब कुछ टाइटल में ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी इस वीडियो के लिए लिंक सेंड किया था इंस्टाग्राम पे। सो एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है और मुझे ये वीडियो देखना भी है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं मिलकर इस वीडियो को। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। बस यही सोचता था कि मैं अपना हार्डवर्क कर रहा था, और मैंने कहा इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम आएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे टाइम पे मेरा डेब्यू हुआ नीदरलैंड में। वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पे भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे टाइम पे मैं वाइट बॉल स्टार्ट किया। नहीं, अभी से आप इतना ज्यादा वो तो औकात रखेंगे, फिर ऐसा ना हो अगला मैच इसी तरह ही आया और आप लोग को यार हरवा दिया। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ, बॉलर्स जितने भी हमारे हम बैटिंग भी करते हैं, कोशिश करते हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो तो बॉलिंग है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि आप साथ आपको इतनी बैटिंग आनी चाहिए कि जब आपके साथ बैट्समैन खड़ा हो आप उसके साथ खेल सको। जैसे बहुत श्रीलंका में ज़रूरत थी कि बाबर भाई साथ खेल रहे थे, और कोशिश ये थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, उनके साथ स्टे करूँ विकेट पे। तो यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ के, तो इंसान अपने जो स्किल होते हैं वो हार्डवर्क के साथ उसको बेहतर कर सकते हैं। जो बैटिंग यही है, सिंपल है कि आप जितना हार्डवर्क करते हो बैटिंग पे, तो आप बैटिंग भी आपकी अच्छी होती है। तो सिंपल है, हार्डवर्क, बस कोशिश करता हूँ बैटिंग पे भी साथ। फिर उन्होंने जश्न मनाया, तो आई थिंक एक ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आपके अपने जो इलाके के लोग हैं वो आप पे फ़ख्र करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जीत में। तो आई थिंक सबका शुक्रिया है कि सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब मैच जीते हैं, तो जब मैं छोटा था और पाकिस्तान या इंडिया का मैच होता था या कोई भी इस तरह का मैच होता था, तो आई थिंक मुझे भी याद है कि मैं मैच जब पाकिस्तान हारता था मैं खुद रोता था। तो ये एक नेचुरली चीज़ है कि सारे ऐसे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे से वो काम करा दिया कि पाकिस्तान मैच जीता, तो मुझे खुद बहुत खुशी थी। सब बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, एक तो टेंस सूरत हाल थी ग्राउंड के अंदर, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, आपकी इनिंग्स बड़ी क्रूशल थी उस वक्त जाके। माइंड में क्या चल रहा था? एक इंसिडेंट भी पहले हो चुका हुआ था आसिफ और फरीद का भी, और उसके बाद दो छक्के शायद अफरीदी और मियां दाद के साथ नाम लिखवाना। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मैच जीते हैं, और जब मैं जा रहा था तो उस टाइम तो आसिफ भाई साथ खेल रहा था, और कोशिश ये थी कि मैं उनको सिंगल दूं, और लेकिन जब वो आउट हुए तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेबल भी खेला हूँ छक्के, तो यह कि टेबल में भी मारता था, तो अभी हार्ड बॉल में भी प्रैक्टिस तो करते हैं नेट में, और प्रैक्टिस मैचेस भी मैं काफ़ी खेलता हूँ जब मैं एकेडमी जाता हूँ। तो बिलीव था अपने ऊपर कि मैं छक्के मार सकता हूँ, और फील्ड को देखते हुए बस जहन में यही था कि वो आगे करेंगे तो बस आगे से जो है ना वो छक्के दूँगा। नसीम, 3 साल तकरीबन रेड बॉल क्रिकेट खेली, एकदम से वाइट बॉल क्रिकेट में आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना मुश्किल लगा, कितना इसमें जगह बनाई आपने वाइट बॉल के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, मुश्किल तो होता है क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह जिस तरह सारे अच्छे बॉलर्स हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो रेड बॉल में हो वाइट बॉल में हो जहाँ भी हो, बस मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं रेड बॉल में मैंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, फिर वाइट बॉल में भी अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म दिए, और ऑक्शन पे बैट तो लगाया हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह कि उस पर क्या आते हैं, जो जितने ज़्यादा पैसों पे जो ख़रीदेगा उनको मिलेगा, और कोशिश यही है सारे जितने भी उसके पैसे है कुछ जो फ्लड में जो लोग वो हुए हैं उनमें, और उसके अलावा बाकी भी बहुत चीज़ें हैं तो वो उनमें मैं दूंगा सारे इंशाल्लाह। नसीम, अब हम बाहर लोगों से जब बातचीत कर रहे होते हैं, पहले जब करते थे तो सब बाबर आजम का नाम लेते थे, अब नसीम शाह का खासकर लड़कियां बहुत नाम लेती हैं, और इंडियन मीडिया बहुत चला रहा है कि उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने, आपको फील किया? उर्वशी यार, मुझे तो सही बताओ मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता, मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ, और इस तरह लोग वीडियोज वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं, और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, कोई भी मेरे लिए आता है, मैं कौन सा
आसमान से आया हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। लास्ट से शाकिर बिलाल एंड खैबर, आपने उर्वशी का नाम सुन के मुस्कुराए हैं, क्या वाकई आपको नहीं पता कि आपको देखने आती है और क्या फ्यूचर में कोई प्लान है क्रिकेट के बाद के शोबिज की तरफ जाने? यार नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है क्या नहीं पता, और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है, अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। अच्छी नसीम एशिया कप से पहले। सो ये था नसीम शाह का इंटरव्यू। हाउ इनोसेंट ही इज़, मतलब कितना डिसेंट, कितना इनोसेंट बंदा है, इतना प्यार से वो बोल रहे हैं, मतलब उनको देख के लग रहा है कि उनको ना अभी कुछ नहीं है, उनके सामने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है क्रिकेट, और उनको उसी के ऊपर फोकस करना है, आजू बाजू कहीं नहीं देखना, चाहे उर्वशी रौटेला हो या कोई भी बड़ी एक्ट्रेस हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क क्या पड़ना उनको पता ही नहीं है। ही सेड के उर्वशी रौटेला है कौन, उनको ये भी नहीं पता है। मतलब जो इनका गेस्टर था ना इस पूरे वीडियो में, बहुत ही प्यारा मुझे लगा, बहुत स्वीटली इन्होंने अपनी दिल की बात कही, जो जो इन्होंने रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा। पहली बात तो उनका फोकस मेन था अपने मैच को लेके, एंड उन्होंने सारी चीज़ें बताई लाइक कि स्ट्रगल करना और एफर्ट करते करते ही मैं यहाँ तक आया हूँ, और अपने एफर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। और वो ऑक्शन वाली चीज़ जो उन्होंने बताई कि अपना बैट उन्होंने ऑक्शन पे लगाया हुआ है, तो अगर कोई अच्छे प्राइस लगेंगे तो जब वो बैट सेल हो जाएगा तो उससे जो पैसा ये जनरेट करेंगे उससे जो फ्लड विक्टिम लोग हैं उनकी ये हेल्प करेंगे। तो वो मुझे इनकी जो दिलदारी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी लगी, सीरियसली जो इन्होंने बात बोली है। अच्छा, और इनकी एज ना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम एज में हैं, अभी क्रिकेट के दुनिया में आए हुए शायद इनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, और इनकी एज भी बहुत ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रही है। बातों से लगा उनके कि मतलब उनकी सोच सच में बहुत बड़ी है, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उर्वशी रौटेला है कौन ये ना जानते हुए फिर भी उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा है, अगर कोई मुझे देखने के लिए ग्राउंड पे, मुझे देखने के लिए, मैच देखने के लिए लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। बहुत अमेजिंग, मुझे अच्छा लगा ये वीडियो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को भी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।